are you? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे हैं। भगवान अल्लाह खुदा वाहिगुरु जेसस क्राइस्ट के आगे ये दुआ करते हैं कि वो हम सबको अच्छा रखे। दोस्त, आज फिर हम हाजिर हैं कुछ नया लेके। आज भी आपको एक स्टोरी ही सुनाएंगे, मोटिवेशनल स्टोरी। और मुझे यकीन है ये स्टोरी आपकी जिंदगी बदल देगी, आपको अंदर से झिंझोड़ के रख देगी, आपको सोचने में कंपेल करेगी कि हम जिस रास्ते में जा रहे हैं वो ठीक है या गलत। एक जंगल था। वो जंगल की खासियत ये थी कि जंगल में बहुत तोते थे, हजारों तोते थे। तो एक शिकारी तोते ढूंढते ढूंढते उस जंगल में आ गया। वो शिकारी रोज तोते पकड़ता था और जाके बाजार में बेच देता था, यही उसकी रोजी रोटी थी। दिन गुजरते गए और उस जंगल में तोतों की गिनती घटती गई। अब जो तोतों का लीडर था, नेता, वो बहुत परेशान कि हमारी पॉपुलेशन कम होती जा रही है, क्या करें। तो उसे पता चलता है कि पास के गांव में एक आश्रम है और वहां बहुत सारे साधु रहते हैं। तो उसने सोचा कि जो साधुओं का लीडर है उनसे जाके सलाह करते हैं, पूछते हैं कि क्या करना है, उसको अपना गुरु मानते हैं। तो वो आश्रम में पहुंच गया, साधु जी को जाके पूछता है, गुरु जी ये बात है, हमारे जंगल में हमारे बहुत दोस्त थे लेकिन एक शिकारी आता है और कुछों को पकड़ के ले जाता है, हमारी पॉपुलेशन घटती जा रही है, क्या करें। तो वो जो साधु होते हैं वो उस लीडर को कहते हैं, तुम भी याद रखो और सबको जाके ये समझा दो, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। वो रिपीट करता है, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। और यही बोलते 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 वो जंगल में वापस चला जाता है, जाके सब तोतों को बुलाता है और कहता है, आज से एक बात सिर्फ याद रखना, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। बोले, समझ आ गई? बोले, हाँ आ गई। बोले, फिर से बोलो, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। तो सब उठते बैठते खाते पीते सिर्फ इसी को रिपीट करते हैं। एक दिन शिकारी आता है और शिकारी को देखते ही सब बोल उठते हैं, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। अब शिकारी सोचता है, इनको तो सब पता है ये तो फंसेंगे नहीं, चलो आज शिकार करना कैंसिल कर देते हैं। तो वो चला जाता है। फिर दो दिन बाद आता है, फिर तोते बोल उठते हैं, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। फिर शिकारी परेशान, अब तोते तो बच रहे हैं लेकिन शिकारी सोचता है वो क्या खाएगा, वो क्या जाके बेचेगा बाजार में। तो शिकारी भी वही साधु के पास चला जाता है और कहता है कि ये बात है साधु जी, और मैं जब भी जाता हूँ वो कह उठते हैं, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत, तो मैं क्या करूं। साधु कहते हैं, तू अपना कर्म कर। वो अपना कर्म कर, तू अपना कर्म कर, तू जा, तू जाल बिछा, तू क्यों नहीं बिछाता। तो वो साधु की बात मान लेता है, अगले दिन जाता है और तोते फिर वही बोल उठते हैं, लेकिन फिर भी शिकारी उस दिन जाल बिछाता है और ऊपर से वो बोलते ही रहते हैं, शिकारी आएगा,
जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। और इतने में जाल बिछाना खत्म हो जाता है, दाना भी डाल देता है शिकारी और तुरंत सारे तोते आके उसके ऊपर बैठ जाते हैं और सारे तोते उस जाल में फंस जाते हैं। अब शिकारी तो बहुत हैरान परेशान कि इनको सब कुछ पता था फिर भी ये कैसे फंस सकते हैं, तो क्या साधु ने कोई मैजिक किया है मेरे साथ। वो तोतो भरा जाल लेके साधु के पास जाता है और साधु जी को पूछता है, साधु जी इनको सब पता था फिर भी ये क्यों फंस गए, आपने क्या कुछ मैजिक किया है। हाँ दोस्तों, हम भी सिर्फ ये तोतों की तरह ही हैं। हम सब जानते हैं, बहुत किताबें पढ़ते हैं, मोटिवेशनल स्टोरीज पढ़ते हैं, मोटिवेशनल वीडियोस यूट्यूब में देखते हैं, हमें सब पता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, विजुअलाइज कैसे करना है, सुबह उठ के क्या करना है, लेकिन हम उस पर इम्प्लीमेंट ही नहीं करते हैं। हम सिर्फ सुनते हैं, याद करते हैं, रट्टा लगाते हैं। हमारी जो माताएं बहनें पुरुष हैं वो पूजा करते हैं लेकिन पूजा में जो लिखा है उसको हम इम्प्लीमेंट ही नहीं करते हैं। हम बड़ी बड़ी मोटिवेशनल बुक्स पढ़ते हैं, उसका एक पन्ना भी अगर हम अपनी ज़िंदगी में उतार लें ना तो हम सफल हो सकते हैं। ये नहीं कि 10,000 किताबें पढ़ो, लाख पेज पढ़ो, ये करो वो करो, दिन में 4 मोटिवेशनल वीडियोस देखो, एक ही देखो, एक ही किताब पढ़ो, सारा दिन में किताब का एक पन्ना ही पढ़ो लेकिन उसको अपनी ज़िंदगी में उतारो। यह नहीं कि वो तोतों की तरह रट्टा लगाओ, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं। हम तो सब कुछ जानते हुए, सब कुछ पढ़ते हुए, सब कुछ करते हुए फिर वही शिकारी के जाल में फंसते जा रहे हैं। ये जिंदगी रूपी जाल हमें फंसाती जा रही है और एक दिन ऐसा आएगा कि हमें भी निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा। दोस्त, उसके पहले हम जाग उठे, हम इम्प्लीमेंट करना शुरू करें। कौटिल्य ने भी तो यही कहा था ना कि किताबों में पढ़ा हुआ विद्या और दूसरों के पास धन कोई काम नहीं आता, उसको अपनी ज़िंदगी में कैसे उतारना है ये हमको पता होना चाहिए। बहुतों को ये स्टोरी ने झिंझोर के रख दिया होगा और बहुतों को ये स्टोरी सिर्फ अच्छी या बुरी लगी होगी। अच्छी या बुरी लगना बड़ा बात नहीं है, एक नॉर्मल सी घटना है, लेकिन आपने इस मोटिवेशनल स्टोरी से क्या सीखा ये सबसे बड़ी बात है। अगर इस स्टोरी का मॉरल आप सीख गए आज और आपने हर एक पढ़े हुए अक्षर को, हर जाने हुए अक्षर को अपने ज़िंदगी में उतारना शुरू कर दिया तो हम आपको गारंटी देते हैं कि आपको सक्सेस से कोई दूर नहीं रख सकता। दोस्तों, कम पढ़िए लेकिन समझिए ज़्यादा, कम देखिए लेकिन अप्लाई करिए ज़्यादा, यही आपसे मेरी विनती है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो स्टोरी को लाइक कीजिए, दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में बेल बटन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। स्टे वेल, स्टे ब्लेस्ड, लव यू ऑल।